पहले एक बार प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम राहुल। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं जिनका फर्स्ट डे है, उनका नाम जान लेते हैं। क्या नाम है और कहाँ से आए? हेलो ब्रदर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हिमांशु शुक्ला है, मैं हरदोई से हूँ। ओके, आपको मेरा नंबर कैसे मिला? यूट्यूब से मिला। यूट्यूब से, तो आज आपका फर्स्ट डे है। तो दोस्तों, आज इनका फर्स्ट डे और एक एक घंटे की क्लास ले रहे हैं। ये हरदोई से आए स्पेशली मेरे पास ड्राइविंग सीखने के लिए। तो आपने अपनी सीट एडजस्ट कर ली, सीट बेल्ट लगा लिया, राइट साइड वाले साइड मिरर को सेट किया, दिख रहा है प्रॉपर? और ये लेफ्ट वाला जी, ये लुकिंग ग्लास। एक बार आप अच्छे से एक्सीलेटर क्लच ब्रेक की प्रैक्टिस कर लो, 5 मिनट टो से करना है, टो से। हाँ, एक्सीलेटर ब्रेक क्लच इसकी प्रैक्टिस कर लो। दोस्तों, अगर आपने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच सकें, ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो आपके पास पहुँच सके, आप उससे बहुत कुछ सीख सकें। तो अभी वीडियो स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, बगैर और वीडियो पूरी एंड तक देखा करिए, आधी अधूरी मत देखा करिए, नहीं तो उसमें आधी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, आधी नहीं आएंगी, ठीक है। एक बार गियर की प्रैक्टिस कर लो, क्लच दबा दबा के, बगैर क्लच के नहीं। प्यार से, एकदम प्यार से। ये जो एडी आपकी हवा में उठ रही है, उठनी नहीं है, हमेशा पैर नीचे रहना चाहिए, ठीक है। स्टीयरिंग को एक बार, सारी चीज़ें समझ लो एक बार, ठीक है। अब देखो, ये गाड़ी है टोटल 12 फीट की, ठीक है। जहाँ बैठे हो यहाँ से 6.5 फीट तो ये आगे बोनट है इसका, जो रॉड लगा है वो 6.5 फीट पे है। और ये लेफ्ट साइड वाला साइड मिरर जो है और ये राइट वाला, इन दोनों के बीच का गैपिंग जो है करीब 6.5 से 7 फीट का है। और जहाँ बैठे हो यहाँ से पीछे 4.5 फीट है, टोटल 12 फीट गाड़ी है। इसकी जो चौड़ाई वो 5 फीट प्लस 2 फीट है साइड मिरर, तो 60 फीट, ठीक है। लेफ्ट वाला टायर आपका इस पॉइंट पे है और राइट वाला इस पॉइंट पे है। ये गाड़ी का हॉर्न है, यहाँ से सिग्नल होता है, इग्निशन ऑन करो, चाबी को हाफ घुमाओ, बस अभी इग्निशन ऑन हो गया है। अब लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को स्विचेस से, हाँ ये लेफ्ट का हो गया, जैसे टर्निंग करोगे अपना आप ऑटो कट हो जाएगा। अभी नीचे का सिग्नल दो, राइट करो, डाउन करो नीचे का, ये राइट का हो गया, बीच में करो उसको, ये ऑफ हो गया। उस लट्टू को आगे घुमाओ, हाँ एक बार, अब पार्किंग जल गई एक बार, और अब हेडलाइट जल गई, उसको ऊपर उठाओ, ऊपर ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे, ये इससे अपर डीपर हाई बीम होता है, पासिंग डीपर। अभी हेडलाइट बंद कर दो, गुड। राइट वाला पैर एक्सीलेटर और ब्रेक के लिए यूज़ करोगे, लेफ्ट वाला ओनली क्लच के लिए, ठीक है। एडी उठा के नहीं, एक जगह पैर को रख के, अभी क्लच दबा के फर्स्ट गियर डालो जरा प्यार से। अब सेकंड गियर डालो, हाँ, अब थर्ड गियर, गुड। अब फोर्थ गियर, अब फिफ्थ गियर, पहले न्यूट्रल करो, हाँ बहुत प्यार से, फिफ्थ हो गया, फिर न्यूट्रल करो, अब रिवर्स गियर हो गया, गुड। अब न्यूट्रल कर दो, हैंड ब्रेक लगाओ, हैंड ब्रेक कहाँ से लगती है, ओके, डाउन करने के लिए, वेरी गुड। अभी सीट बेल्ट डाल ली, चलो इंजन ऑन करो। ये गाड़ी जो है ये 4 सिलेंडर की 1000 cc का इसका इंजन है। अभी राइट का सिग्नल दो आप नीचे को, गुड। राइट वाले साइड मिरर में नज़र डालो, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। अब पहला गियर डाल के धीरे धीरे गाड़ी बढ़ाओ, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे। राइट वाला पैर ब्रेक पे रहना चाहिए, क्योंकि एक्सीलेटर की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी एक्सीलेटर गाड़ी में रहता है फर्स्ट और सेकंड गियर के लिए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है ज़रा सा भी, बहुत प्यार से गाड़ी निकालनी है। अभी क्लच को पूरा रिलीज़ करो, स्पीड मेंटेन करो, और लेफ्ट आओ, हाँ राइट वाला सिग्नल बंद कर दो, अब हल्के से ऊपर, बस। अब क्लच दबा के सेकंड गियर करो, वेरी गुड, जाने दो। जब भी गियर चेंज करोगे राइट वाला पैर ब्रेक पे आना कंपलसरी है, इसलिए ताकि आपको ये कंफर्म होता रहे कि आपकी गाड़ी की जो स्पीड है, ज़रूरी नहीं कि हर बार एक्सीलेटर पे आप पैर रखोगे, अपनी गाड़ी लेफ्ट में रखो थोड़ा, आप बीच में चलाओगे तो लोग आपको लेफ्ट से ओवरटेक करेंगे, ठीक है। तो ये लेफ्ट वाला साइड मिरर हमेशा आपको ध्यान रखना कि गाड़ी मेरी कहाँ चल रही, किस जगह चल रही है। और आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको 5 से 7 डेज में मैं ऑलराउंडर बना दूंगा। अभी जो बंदा मेरे पास सुबह आया था, जिसके साथ आप खड़े थे, उससे आपकी बात हुई थी? नहीं हुई थी, वो गया जिले से आया है। जाने दो धीरे धीरे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से। बिहार से आया हो मेरे पास स्पेशली ड्राइविंग सीखने के लिए, और आज फर्स्ट डे था, उसने बहुत अच्छी चलाई थी, बट क्या उसने 200 से ज़्यादा वीडियोस देख ली हैं, तो उसको सारी चीज़ें समझ में आ गई, बस उसको प्रैक्टिकल कराना है,
तो आप भी वीडियोस देख के आए, तो आई होप आपको भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आई गई होंगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने फर्स्ट डे के हिसाब से चीज़ों को ऑपरेट किया है तो लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें आपने सीखी हैं वीडियो से। और कार चलाते वक्त आपकी जो नज़र है कम से कम 100 मीटर बिफोर रहनी चाहिए। और ये लुकिंग ग्लास, इससे आपको बैक साइड दिखेगा, ये राइट साइड वाले साइड मिरर से आपको राइट साइड का दिखेगा, लेफ्ट वाले साइड मिरर से लेफ्ट का दिखेगा। तो ये साइड मिरर का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान देना है इन सब चीज़ों पे, छोटी छोटी। अभी जैसे सामने ट्रैक्टर खड़ा है तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना लेफ्ट साइड में, कि आपकी गाड़ी से और ट्रैक्टर के बीच का डिस्टेंस कैसे, वो कैसे पता चलेगा, बोनट पर लगे रॉड से या फिर ये लेफ्ट वाले मिरर से, ठीक है। और सामने थोड़ा पहले से अलर्ट कर दिया करिए हॉर्न ऑन मार के, हल्का लेफ्ट आ जाओ, गुड, वेरी गुड। और शीशों में आपकी नज़र ज़रूर जानी चाहिए ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आपके अगल बगल कौन निकल रहा है, कौन आ रहा है। बहुत बढ़िया। अभी सामने पिकनिक स्पॉट का मेन गेट आ रहा है, वहाँ से आपको लेफ्ट चलना है, ठीक है, टर्निंग पॉइंट के लिए। आज आपका फर्स्ट डे, तो मैं आपको बहुत छोटी छोटी जो बारीकियाँ होती हैं ना, कार को रोकना, बढ़ाना, कौन सी गियर में रोकेंगे, कौन सी गियर में बढ़ाएंगे, लेफ्ट का सिग्नल दीजिए ऊपर को, गुड। अभी टर्निंग पे आपको हाफ क्लच लेना है और राइट वाला पैर ब्रेक पे रख लेना है ताकि गाड़ी हमारी बंद भी ना और कंट्रोल भी हो जाए। एक बार लॉन्ग हॉर्न पुश करो, अब राइट वाला पैर ब्रेक पे ले आओ, हाँ, थोड़ा क्लच दबाओ, थोड़ा ब्रेक, यहाँ से लेफ्ट जाना है, टर्न करो, फुल काटो स्टीयरिंग, जल्दी जल्दी, वेरी गुड, छोड़ो क्लच, धीरे धीरे सीधी करो स्टीयरिंग, गुड, हल्का राइट रखो, हाँ, लेफ्ट आओ थोड़ा, जाने दो, वेरी गुड। एडियो का बहुत बड़ा रोल है, एडियां हवा में नहीं आनी चाहिए। और स्टीयरिंग 3 और 9 पे, जैसे अभी लेफ्ट वाला हाथ आपका देखो कहाँ पहुँच गया था, गया था ना, तो रॉन्ग साइड नहीं, ये जो ग्रिप बनी हुई है जो ये, हाँ, ये नीचे हल्का सा, ये स्टीयरिंग पकड़ने का तरीका है, हॉर्न मारिए, हल्का लेफ्ट आओ, थोड़ा सा राइट रखो, जाने दो, गुड, हल्का राइट रखो और राइट, स्पीड मेंटेन करो, हाँ, जाने दो। ये सिंगल रोड है, सिंगल रोड पे थोड़ा टफ होता चलाना, तो दूर से आपको अलर्ट रहना है। क्योंकि सामने से अगर कोई कार आ जाएगी ना, तो आपको एक टायर इसका नीचे उतारना पड़ेगा। अगर आप नहीं उतारोगे तो दो गाड़ी एक साथ नहीं निकल पाएंगी। जाने दो धीरे धीरे। हॉर्न दीजिए इसको, रिक्शे वाले को, गुड। और अपना राइट वाला पैर ब्रेक पे लेके आइए ताकि इमरजेंसी पड़ने पे आप ब्रेक दबा सको। अक्सर होता है क्या, कुछ लोगों की आदत होती है स्लो गड्ढा था, कुछ लोगों की आदत होती है वो एक्सीलेटर पे ही पैर रखे रहते, तो उससे क्या होता है कि ज़रूरत थी आपको ब्रेक की और दब गया बाई मिस्टेक एक्सीलेटर, तो जब आपका पैर ही एक्सीलेटर पे नहीं होगा तो क्या दबेगा, ब्रेक। तो जब भी आप अपने पैर को होल्ड करोगे तो ब्रेक पे लाके, ना कि एक्सीलेटर पे लाके, ठीक है। अब सामने से देखो गाड़ी आ गई, राइट रखो, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया आपने, आपको जो मैंने डिपर बताया था देने के लिए, तो सिंगल रोड पे जैसे सामने से गाड़ी आ रही, इनकी देखो लाइट ऑन है तो दिख रहा है ना, तो जब हमारी गाड़ी है पुरानी तो इसको ऐसे एक बार ऐसे उठाएंगे तो आगे हेडलाइट ऑन ऑफ हो जाती है, तो उससे क्या होगा कि सामने वाला अलर्ट हो जाएगा, तो वो आपको साइड दे। अब जैसे वैगन आर आ रही, इसको मारो डिपर एक बार, बस ये सामने से गाड़ी आ रही, गुड, जाने दो, स्ट्रेट जाना है, सीधा हल्का राइट रखो, हाँ, आराम से, स्पीड कम और कम, जाने दो, बहुत बढ़िया, धीरे धीरे जाने दो, चलते रहो, गुड। अब ये जो रोड है इसकी चौड़ाई कितनी होगी, कुछ आइडिया है आपको? 7 फीट 8 फीट 8 फीट का रोड है। कार हमारी कितनी चौड़ी है? 5 फीट कार है, 2 फीट साइड में रह रहे हैं, तो 7 फीट जगह हमको चाहिए चाहिए, तो दो गाड़ी एक साथ नहीं निकल पाएगी, तो उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा ही सीरियस होकर चीज़ों को समझना पड़ेगा। और बाकी धीरे 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 चलाते चलाते ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। वैसे आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं अभी MBBS कर रहा हूं। MBBS कहां से? सैफई से, वेरी गुड। कौन सा ईयर है आपका? सेकेंड ईयर है, ओके, गुड। हल्का लेफ्ट आ जाइए, अब यहाँ से हमको राइट जाना, राइट का पहले सिग्नल दो, हाँ, और राइट वाला पैर ब्रेक पे ले आओ। एक्सीलेटर की ज़रूरत ही नहीं होती, बस हमको थोड़ा पेशेंस रखना होता है। जैसे कई बार क्या होता है ना कि
कुछ लोगों के माइंड में होता है कि वो स्कूटी या बाइक चलाते हैं तो उनको ये रहता है कि एक्सीलेटर पे पैर हटाएंगे तो हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी, रुक जाएगी। पर माय डियर ऐसा नहीं होता है। फोर व्हीलर कोई भी ले लो आप, अगर आप फर्स्ट या सेकंड गियर में चल रहे हो और ब्रेक नहीं दबा रहे हो तो गाड़ी आपकी धीरे धीरे चलती रहेगी। अगर आपने क्लच दबा लिया पूरा तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी क्योंकि न्यूट्रल हो चुकी है वो। अगर आपने ब्रेक दबा लिया तो गाड़ी रुक जाएगी बहुत प्यार से, आराम से जगह है निकल जाएगी। हल्का लेफ्ट आ जाऊँ और लेफ्ट, गुड। बच्चों को और जानवर से बहुत अलर्ट रहना है, कब कहाँ आ जाए कोई भरोसा नहीं है। और टेंशन जरा सा भी मत लीजिएगा, ठीक है, एकदम कूल होके चलाइएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाने दो धीरे धीरे। यहाँ से वाइपर ऑन होता है, ये इसको नीचे करेंगे तो ये वाइपर ऑन हो जाता है, ठीक है, आराम से, गुड, वेरी गुड। अभी गाड़ी को रोकना है आपको, यहाँ पे पूरा क्लच लो और धीरे से ब्रेक। अब जैसे देखो लेफ्ट वाले पैर की एड़ी आपकी हवा में है, ये नहीं होनी चाहिए, नीचे करो। लेफ्ट वाले पैर की बात कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट वाले पैर की, हाँ। एक क्लच ना छोड़ो, क्लच दबा के रखो, ठीक है। अगर सीट पीछे तो आप आगे कर सकते हो। अब इसको न्यूट्रल करके पहले गियर में करो, बहुत प्यार से। अभी पहले क्या छोड़ोगे आप, ब्रेक, फिर धीरे धीरे क्लच धीरे धीरे, हाँ। और यहाँ से वाइपर ऑन कर लो ये। अभी यहाँ पे आपको फ्रंट मेट बनाना है, रिवर्स मेट बनाना है, इस ग्राउंड में ले चलना है गाड़ी, धीरे धीरे लेफ्ट टर्न करना है, हाँ आगे जाके, अभी थोड़ा और आगे जाके, हाँ लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, हाँ बहुत प्यार से, आराम आराम से, धीरे धीरे बच जाने दो, धीरे धीरे, गुड। अभी जो सामने वाला इधर लेफ्ट आओ हल्का, सामने जो पेड़ है ये वाला, ये इस पेड़ से और इस पेड़ को दोनों को लेके इट बनाना है इंग्लिश का, दो गोले लेके, ठीक है। हल्का लेफ्ट आओ, हाँ हल्का हल्का। अब राइट काटो धीरे धीरे, राइट काटो धीरे धीरे, हाँ और काटो राइट धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे काटो और काटो फुल, बस कट ही रहने दो धीरे धीरे, हाँ और काटो। अब सीधी करनी, अब सामने, अभी राइट रखो हल्का, राइट राइट थोड़ा सा, लेफ्ट आओ और लेफ्ट, बस अब लेफ्ट का इधर वाले इस वाले पेड़ को, हाँ टर्न करो आराम से, भिड़नी नहीं चाहिए इस पेड़ को, हमेशा नोटिस में रखना, ठीक है। अब इन दोनों पेड़ों के लिए को आपको इट बनाना है। अभी फिर लेफ्ट आओ, लेफ्ट ही रखो, राइट नहीं जाना, लेफ्ट आओ, अब राइट काटो धीरे धीरे, समझ गए। बस इतना रखना, एक्सीलेटर की यहाँ ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ ब्रेक पे पैर रखो, एक्सीलेटर पे मत रखो, दबाना नहीं है ब्रेक, बट पैर आपका, मैंने शूज इसीलिए निकलवाए हैं ताकि आपको पैंडल की फीलिंग आ जाए, ठीक है। 10 राउंड इस तरफ से, 10 इसके अपोजिट, ठीक है। राइट वाला थोड़ा शीशा चढ़ा लो, ऊपर पानी आ रहा है, ऊपर चढ़ाओ, ऊपर 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 ऊपर, नीचे डाउन कर रहे हो, और थोड़ा और, बस 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 बस, जाने दो धीरे धीरे, हाँ गुड। बारिश भी आ गई है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, अभी ये बन रहा है आपका 8, ठीक है। अभी इसी का अपोजिट करना, जैसे आप उस साइड से ले रहे थे, अब इधर से लो, लेफ्ट आ जाओ, समझ गए ना, इसका अपोजिट करना, और लेफ्ट आओ, गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बारिश में इतना क्लियर नहीं दिख पाता है, जाने दो, समझ गए ना, अब उस साइड से लेना है, उसके एकदम अपोजिट, हाँ धीरे धीरे, गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हल्का राइट रख के अब काटो धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे। अब दोनों से लेफ्ट आओ, दो लेफ्ट आओ, गलत काट रहे हो ना, इधर से गए थे ना, काटो फटाफट, जाने दो। अब ये आपको कम से कम, इससे क्या होगा ना, आपको स्टीयरिंग का कमांड आ जाएगा, जो आपके माइंड में थोड़ा डर है ना वो निकल जाएगा। अगर अभी मैं आपको भीड़ भाड़ वाले एरिया में ले जाता तो आप नर्वस हो जाते। तो दोस्तों आपने देखा, क्या नाम बताया था, हिमांशु शुक्ला जी हैं, जो कि MBBS कर रहे हैं, सेकेंड ईयर है इनका सेफई से, और आने वाले डॉक्टर साहब हैं। तो ये मेरे पास आए और एक टाइम था कि मतलब ये सीख उख रहे होंगे कहीं पे, तो शायद इनके साथ कोई हादसा हो गया था ना, तो ये बहुत डर गए थे, बहुत घबरा गए थे, इस वजह से मेरे पास आए। अभी एक घंटे का इनके कोई रिलेटिव है यहाँ पे, इनके पास आए हुए हैं और ड्राइविंग सीख रहे हैं। तो दोस्तों मैं, जैसे कुछ लोग होते हैं नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो उनका डर निकालने के लिए अभी ये 2 से 3 दिन इस एरिए में गाड़ी चला लेंगे, उसके बाद ये खुद ही एकदम पायलट हो जाएंगे, फिर इनको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। गलत कर दिया, साइड से लेना था ना आपको,
उल्टा अपोजिट कर दिया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। इस तरीके की वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। फर्स्ट डे देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस है।